गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह को 5:30। आज हम चलेंगे बालेश्वर, क्योंकि बाबूजी को कल कुत्ते ने काट लिया था, एकदम पैर में 5-6 जगह काटा है। और हमने जो हमारा एरिया हॉस्पिटल में बाबूजी को कल रात को लेके गया था, और वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि हमारा यहाँ पे ARV नाम का इंजेक्शन नहीं है, इसीलिए कल सुबह जल्दी जल्दी निकल जाना है बालेश्वर। हम बालेश्वर से मिलेगा हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, और हमें निकलना है जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने जल्दी उठ चुका हूँ। बस अभी अभी लेके बाबूजी को चलना है, और चलिए जल्दी जल्दी मैं रेडी हो जाता हूँ और चलते हैं बालेश्वर। हम लोग सुबह सुबह बालेश्वर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। ये देखिए बाबूजी को लेके आ गए, बाबूजी को कुत्ते ने काट लिया था, और गेलू को भी साथ में लेके आया हूँ, और उसका भी थोड़ा टेस्ट वगैरह करना है। और अभी गेलू बोल रहा है कि कुछ खाएगा, भूख लगी है, उसको लेके चलता हूँ खाने के लिए। अब हाय कर दे, हाय 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 हाय। चलिए चलते हैं, कुछ पहले खा के आते हैं, मैंने तो ब्रश नहीं किया अभी तक। बस गेलू को खिला के ले आते हैं। नवा हमें सियाड़े जीवा ना खाते इटके सियाड़े जीवा गाड़ी नहीं गए थे, गाड़ी निकलते हैं स्टैंड से। गेलू बोल रहा है कि गाड़ी में जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, यहाँ पास में ऐसा मतलब अच्छा वाला कोई खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पे ठेला से बेचते हैं लोग, इसलिए हम थोड़ा दूर जाएंगे। फाइनली गेलू को खिला के ला चुका हूँ, बस अभी जाते हैं बाबूजी के पास। बाबूजी वहाँ पे रहते हैं, ये अभी तक हॉस्पिटल का जो चैम्बर है, जो ARV देते हैं, कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन देते हैं, वो वाला अभी तक नहीं खुला है, अभी तक वापस आएंगे। चलिए वहाँ पे बैठ के इंतजार करते हैं। फाइनली गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दिया, अब चलते हैं बाबूजी के पास। हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे घर से, और अभी हो रहा है 7:30। यहाँ पे गेलू का ब्लड वगैरह टेस्ट करने के लिए दे दिया है अपोलो डायग्नोस्टिक। चलिए अब चलते हैं हॉस्पिटल बाबूजी के पास।
मिला कि बाबूजी को 6 इंजेक्शन लगी और ये लेफ्ट वाला पैर में जो ज़्यादा घाव हुआ था वहाँ पे 2 इंजेक्शन दिए घाव में, और राइट वाला पैर में 1 इंजेक्शन लगी और जो 2 हाथ में 2 इंजेक्शन दिए और जांघों में 1 ग्राम, तकरीबन 1 ग्राम होगा एक जांघों में दिए, और टोटल कुल मिला के 6 इंजेक्शन दिए। फिलहाल हम लोग बालेश्वर से आ चुके हैं और आके घर अभी अभी पहुंचे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। बस आप यकीन नहीं करोगे, बस इतना डरावना चीज़ था, बाबूजी को 6-6 इंजेक्शन लगा और जहाँ पे कुत्ते ने काट के चमड़े को फाड़ दिया था वहाँ पे 3 इंजेक्शन दिए, एकदम सीरिंज से घुसा के 3 इंजेक्शन दिए, एकदम मेरे को इतना डर लगा, मैं पहली बार ये ऐसी चीज़ देखा मैंने। और नर्स जो थे वो मतलब वो निर्दय लोग थे कि उनको कोई काम धीरे से नहीं आता है, एकदम लाते हैं जोर से खींच देते हैं। उफ, कि क्या डरावना चीज़ था, क्या डरावना सीन था। बस अभी अभी हम लोग बालेश्वर से आके घर पहुँचे हैं और रास्ते में वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था। बस अभी अभी मैंने पहुँचा है और चलिए जल्दी जल्दी मैं नहा धो के रेडी तो हो चुका हूँ। बस चलिए खाते हैं, थोड़ा भूख लगी है। राइस, ये साग, तो क्या है ये कद्दू का फूल का बड़ा, और ये मिक्स वेज का करी एक बनाया है। फाइनली आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।